उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीएए के विरोध में भड़की हिंसा को देखते हुए जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, गोकुलपुरी, जोहरी एनक्लेव और शिव विहार मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस हिंसा में मरने वालों की संख्या 9 तक पहुंच गई है। वहीं 135 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बवाल में एक पत्रकार को भी गोली लगी है। पत्थरबाजों ने 5 बाइक को आग के हवाले कर दिया है। इधर दिल्ली हिंसा की वजह से मेट्रो सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। दिल्ली मेट्रो ने जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, गोकुलपुरी, जौहरी एनक्लेव और शिव विहार मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है। वहीं पिंक लाइन पर मेट्रो की सेवाएं वेलकम मेट्रो स्टेशन पर ही खत्म कर दी गई है। हालांकि मेट्रो स्टेशन सुरक्षा की दृष्टि से सोमवार को ही बंद कर दिए गए थे, जो मंगलवार को भी बंद रहे। इससे पहले मंगलवार सुबह मौजपुर और ब्रह्मपुरी इलाके में पत्थरबाजी की घटना हुई है, बल्कि उपद्रवियों ने 5 बाइक आग के हवाले कर दी है। अग्निशमन विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली में आगजनी के 45 कॉल रिसीव किए गए। अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी पर लोगों ने पत्थरबाजी की और एक दमकल गाड़ी को पूरी तरह से जला दिया। इस घटना में 3 दमकल कर्मी घायल हो गए हैं। वहीं हिंसा के कारण स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इतना ही नहीं, हिंसा वाले क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के अलावा 11वीं तक के स्कूल में होने वाली परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।